हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल फैक्ट्स बिहाइंड हिंदी में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया बेसिकली एक ऐसी मेडिकल टेक्निक है जिसके बिना किसी भी सर्जरी का हो पाना बिल्कुल नामुमकिन है। एनेस्थीसिया बेसिकली आपकी बॉडी में कुछ ड्रग्स ट्रांसफर की जाती है जिससे आपकी पूरी बॉडी या फिर आपकी बॉडी का कुछ पर्टिकुलर हिस्सा पूरी तरह अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। एनेस्थीसिया बेसिकली आपको इंटरवीनियसली थ्रू गैसेस और थ्रू स्पाइनल कॉर्ड दिया जाता है। एनेस्थीसिया में जिन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है वो ड्रग्स बेसिकली आपके दिमाग से आ रहे नर्व सिग्नल को पूरी तरह ब्लॉक कर देती हैं जिससे आपकी बॉडी की सेंसेशन पूरी तरह बंद हो जाती है। आगे मैं इस वीडियो में मैं आपको एनेस्थीसिया के कुछ और बेहद बढ़िया इफेक्ट बताऊंगा। प्लीज वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की। व्हाट इज एनेस्थीसिया? दोस्तों, सिंपल शब्दों में बात करें तो एनेस्थीसिया का मतलब है विदाउट सेंसेशन। एनेस्थीसिया एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमारी बॉडी की सेंसेशन और अवेयरनेस को कुछ मेडिकेशन के जरिए टेम्पररी बेसिस पर बंद कर दिया जाता है। एनेस्थीसिया की बेसिकली फोर मेजर कैटेगरी है जिसमें जनरल एनेस्थीसिया, सिडेशन, रीजनल एंड लोकल एनेस्थीसिया और एपिडुरल और स्पाइनल एनेस्थीसिया शामिल है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया की। जनरल एनेस्थीसिया एक ऐसी टेक्निक है जिसे लंबे समय तक चलने वाले ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। इसमें आपकी पूरी बॉडी अनकॉन्शियस स्टेट में चली जाती है। ये बेसिकली इंटरवीनियस ड्रग्स और गैसेस के जरिए पेशेंट को दिया जाता है। इसमें बेसिकली जिन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है वो है एमोबार्बिटल, थायामिलाल, कीटामाइन और प्रोपोफोल एक्सेट्रा दी। इसके बाद एनेस्थीसिया की दूसरी कैटेगरी आती है सिडेशन। सिडेशन बेसिकली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काफ़ी हद तक सप्रेस कर देती है। सिडेशन की आगे थ्री कैटेगरी है जिनमें मिनिमल सिडेशन, मॉडरेट सिडेशन और डीप सिडेशन शामिल है। मिनिमल सिडेशन पेशेंट को एंग्जाइटी से रिलीफ पाने के लिए दिया जाता है। इसमें पेशेंट की अवेयरनेस पर काफ़ी कम असर पड़ता है। इसके बाद मॉडरेट सिडेशन की बात करें तो इसमें पेशेंट की कॉन्शियसनेस को कुछ हद तक सप्रेस कर दिया जाता है, लेकिन इसमें पेशेंट बाहर से सुनाई दे रही आवाजें और टचेस को काफी हद तक रिस्पोंड कर पाता है। डीप सेडेशन में पेशेंट सिर्फ पेनफुल और रिपीटेड स्टिमुलाई में ही रिस्पोंड कर पाता है, अदरवाइज पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में रहता है। इसके बाद दोस्तों तीसरी कैटेगरी हमारे पास आती है रीजनल और लोकल एनेस्थीसिया। दोस्तों, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हमारी बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट पर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है जिसमें वो पर्टिकुलर हिस्सा पूरी तरह अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। ये बेसिकली एल्बो सर्जरीज, फोर आर्म सर्जरीज, रिस्ट सर्जरी, हैंड सर्जरीज, नी सर्जरी और लेग सर्जरी में पेशेंट को दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है एपिड्यूरल और स्पाइनल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल और स्पाइनल एनेस्थीसिया हमें रीढ़ की हड्डी के थ्रू ही दिया जाता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एपिड्यूरल मेम्ब्रेन के बाहर और स्पाइनल एनेस्थीसिया स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दिया जाता है। दोस्तों, ये एनेस्थीसिया बेसिकली उन सर्जरीज में काम आता है जो सर्जरी पेट के नीचे परफॉर्म की जाती है। इस प्रोसीजर में पेशेंट के लंबर रीजन में जो एपिड्यूरल स्पेस मौजूद होती है वहाँ स्पेशल नीडल को इंसर्ट किया जाता है जिसमें बॉडी में ड्रग इंसर्ट की जाती है। इस इंजेक्शन के कुछ ही समय बाद आपकी लोअर बॉडी पूरी तरह से अनकॉन्शियस स्टेट में चली जाती है। ये प्रोसीजर बेसिकली यूरोलॉजिकल सर्जरीज और नी सर्जरीज में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जिन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है उनके नाम है लिडोकेन, टेट्राकेन और बुपिवाकेन। ये थी दोस्तों हमारी आज की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।